रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज की रियासत तेलंगाना इलाके दक्कन के खबरनामा आयना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित। बुखारी शरीफ। जब तुम शर्म व हया न करो तो जो चाहो करो। एसआई कांस्टेबल उम्मीदवारों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा करते हुए बीजेवाईएम का तेलंगाना डीजीपी दफ्तर के सामने एहतजाज। इस एहतजाज के मौके पर डीजीपी दफ्तर के सामने कशीदगी पैदा हो गई। बीजेवाईएम लीडर डीजीपी ऑफिस के गेट के अंदर पहुंच गए। उन्होंने एसआई कांस्टेबल उम्मीदवारों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। इस एहतजाज में खवातीन उम्मीदवार भी मौजूद थे। पुलिस ने इन्हें रोक कर गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस और बीजेवाईएम के दरमियान रसाकशी देखी गई। तेलंगाना के शहर निजामाबाद में वजीर आईटी और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और वर्किंग सदर बीआरएस पार्टी तारक रामाराव के दौरे के मौके पर इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई के कायदीन की जानिब से जबरदस्त एहतजाज करते हुए इनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए इनके काफिले को रोकने की कोशिश की। रियासती वजीर के टी रामाराव जो आज सुबह निज़ामाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत के लिए हेलीपैड से पहुंचे थे, बजरिए कार भूम रेड्डी कन्वेंशन हॉल में किसानों से मुलाकात प्रोग्राम में शिरकत के लिए रवाना हो रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने कंटेश्वर चौराहा पर केटीआर डाउन डाउन नारेबाजी करते हुए इनके काफिले को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए इन कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने साबिक रुकन असेंबली गुरुनाथ रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने साबिक रुकन असेंबली गुरुनाथ रेड्डी इनके फर्जंद सदनशीन बल्दिया कोडंगल की शॉलपोशी की। गुरुनाथ रेड्डी साबिका में 7 मरतबा रुकन असेंबली मुंतखब हो चुके हैं और कोडंगल में वो गैर मामूली आवामी मकबूलियत के हामिल हैं। गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में कोडंगल से बीआरएस के रुकन असेंबली नरेंद्र रेड्डी की कामयाब में गुरुनाथ रेड्डी ने अहम रोल अदा किया।
हलके के 30,000 से जायद वोटर्स गुरुनाथ रेड्डी के कट्टर हामी माने जाते हैं। इनकी तायद के बगैर किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी मुमकिन नहीं है। गुरुनाथ रेड्डी के हमरा इनके फर्जंद आर जगदीश्वर रेड्डी शरीक थे। जगदीश्वर रेड्डी को कोड़ंगल सदरनशीन बल्दिया के ओहदे पर फायज हैं। इस मौके पर सदर पीसीसी ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से शुरू करदा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के सिलसिले में गुफ्तगू की। अदे चाग दशिनी कदा कल कदा वे आगे भोजन बा पचय अड़े रियासती वज़ीर जंगलात और क़ानून ए इंदिरा किरण रेड्डी ने TSRTC बस सर्विस पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र जिला नांदेड़ के मौजे अपारावपेट के मुसाफिरों की सहूलत के लिए जिला निर्मल से अपारावपेट नाइट हॉल्ट बस सर्विस खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वज़ीर जंगलात ने कहा कि निर्मल और अपारावपेट के दरमियान सफ़र करने वाले मुसाफिर बगैर किसी परेशानी के महफूज तरीके से और वक्त पर घर पहुंच सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रात की नाइट हॉल्ट बस सर्विस शुरू होने से तलबा और आवाम को मुश्किलात से निजात मिली है। नाइट हॉल्ट बस सर्विस के आगाज़ से स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा के साथ मरीजों को अस्पताल जाने के लिए बस सर्विस से इस्तेफादा हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर अपारावपेट ग्राम पंचायत के सरपंच अब्दुल रब के हमरा मुकामी आवाम ने वज़ीर जंगलात की शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए शुक्रिया अदा किया। ఇక్కడి రోజు 150 మంది పిల్లలు స్కూల్ కి చదువుకోవడానికి పోతున్నారు మరి అటువంటి సంబంధాలు మనకు ఉన్నాయి మా ముఖ్యమంత్రి బిఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టినాక భారతదేశంలో ఎక్కడైనా సర్పంచ్ కు పొడియేచ్చు ఎన్పిటిసి గేయచ్చు ఎమ్మెల్యే గేయచ్చు ఎంపీ గేయచ్చు 5వ తేదీ నాడు నాందేడు పట్టణానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ గారు బిఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు నాందేడు వచ్చి అక్కడ గురుద్వారా दर्शन చేసుకొని దా తర్వాత పబ్లిక్ మీటింగ్ ఉంటుంది ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంటుంది దాని తర్వాత హైదరాబాద్ కేరణ జరుగుతుంది మరి ఈ రోజు మేము ఇక్కడికి రావడానికి కారణము తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి సంక్షేమము భారతదేశం అంతా కూడా రావాలా మహారాష్ట్ర రావాలి అపరంపేటకు రావాలి అని చెప్పి మరి మేము ఇక్కడికి రావడం ఈ కార్యక్రమానికి जिला मुलुगु एरिया अस्पताल में बर्फ़ी शॉक से मरीज की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिला मुलुगु मुस्तखर के एरिया अस्पताल में बुधराम गांव के मार्था रमेश 40 साल को इस महीने की 26 तारीख को दोपहर 1 बजे एरिया अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया था। जुमेरात की शाम 4 बजे तिब्बी अमला और अफराद खानदान को ना मिलने पर तलाश किया गया तो अस्पताल के खतरे वाले कमरे में पड़ा था। डॉक्टरों ने इस शख्स की मौत की तस्दीक की। बाद हजार डॉक्टरों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है।
ఇచ్చారు మందులు గోలు ఇచ్చారు మంచిగానే తెల్లారు మంచిగానే నడిచాడు పోతవాన సార్ వచ్చి అడిగాడు అయితే ఇలా పోను సార్ రేపు పోతాను అన్నాడు అంతే మంచిగా తిరిగాడు మంచిగా మాట్లాడాడు రాత్రి ఆయనతో ఉన్నారు మరి దాకా నేను నువ్వే ఉన్నావు నేనే ఉన్నా ఏ టైం జరిగింది మరి ఏ టైమా ఈ మనిషి దొరికింది అయితే రాత్రి ఏడైతుందో ఎంత అయితుందో ఇక టైం నేను చూసిన అయ్యా అందరు రాసారు వాళ్ళు నేను బజార్కు పన్ను వేలు పోయినా నా ఎనుకనే వచ్చిండట नाजरा हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा पालमू डिजिटल के चैनल नंबर 115 और हैदराबाद में एडी सेटटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा कर सकते हैं। नाजरा आप यूट्यूब पर हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाजरा मुझे ज़ैकिया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहे आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।